आदाब नाजरीन, आज बतारीख 10 सितंबर 2024 बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमएलए महेश्वरम सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम की हिदायत पर महेश्वरम इंचार्ज अहमद सादी साहब जलपली म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी की निगरानी में बालापुर से चंद्राइनगुट्टा जो रोड जा रही है, काउंसिलर AIMIM अहमद कसादी वार्ड नंबर 3 ने 1,25,00,000 रोड सैंक्शन करवाकर रोड के काम का आगाज किया। साथ में वार्ड जनरल सेक्रेटरी सईद खान, वार्ड इंचार्ज अब्दुल वाजिद मुसाइब कसादी इस मौके पर मौजूद थे। वार्ड नंबर 3 सीनियर काउंसलर अहमद कसादी हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM महेश्वरम इंचार्ज अहमद सादी, जलपली म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और MLA सबिता इंदिरा रेड्डी से नुमाइंदगी करके अपने वार्ड नंबर 3 की तरक्की के लिए कोशिश करते रहते हैं और गणेश फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए बिना मजहब व मिल्लत वार्ड नंबर 3 सीनियर काउंसलर अहमद कसादी ने कॉन्ट्रैक्टर और जलपली म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर से कहा, रोड की हालत बेहद खराब है, बालापुर से जो गणेश विसर्जन के लिए ले जाते हैं, अगर रोड जल्द से जल्द डाल दी जाए तो हमारे हिंदू भाइयों को रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए गणेश फेस्टिवल से पहले रोड का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाने की हिदायत दी। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। RA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और MLA महेश्वरम पी सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो बालापुर से जो चंद्राइनगुट्टा रोड जारी कई सालों से खस्ता हालत में थी और ट्रैफिक यहां पे पब्लिक का जान आना ज़्यादा है, तो कई सालों से ये रोड नहीं बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये रोड 1,25,00,000 रुपये सेंक्शन कराए और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड का CC रोड का काम चल रहा है। और हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब और इंचार्ज महेश्वरम अहमद सादी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे बोलने पर अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए तवज्जो दिए और ये काम स्टार्ट हुआ। और कमिश्नर मैडम वानी और AE इशरत आयशा और हमारे DE वेंकैया और अरुण, इन तमाम म्यूनसिपल के हमारे जितने लोग, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिए। और दूसरी बात यह है कि नबील कॉलोनी का काम इंशाल्लाह मंगल से अल्लाह चाह तो पाइप उतरेंगे, काम स्टार्ट होगा, इसलिए कि सारे क्रेन जितने हैं, क्योंकि बड़ा काम है, वो पाइप उतारने के लिए क्रेन अवेलेबल नहीं है, वो बुक है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पीर तक हमारे गणेश त्यौहार जो है उसमें बुक है सारे क्रेन, तो पीर के दिन वो खत्म होने के बाद इंशाल्लाह मंगल से अल्लाह चाह तो नबील कॉलोनी का भी काम स्टार्ट होगा। तीसरा काम ग्रीन सिटी का जो 40,00,000 रुपए का है अंडर ड्रेन का, वो इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द अल्लाह चाह तो इसी वीक में स्टार्ट होगा। और मैं तमाम यहाँ के सुदूर मुतमदीन, हमारे सदर, वार्ड सदर सैयद मुजाहिद और वार्ड इंचार्ज हमारे अब्दुल वाजिद साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी वार्ड हमारे सईद खान और तमाम इनके साथी जो तमाम लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जो बजट है जो हमारा पेंडिंग है, हम गवर्नमेंट तेलंगाना से गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी बजट सेंक्शन करिए, जो हमारे काम रुके हैं वो भी काम स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। मैं अहमद कसादी काउंसलर वार्ड नंबर 3, क्योंकि वार्ड मेरा बहुत बड़ा है, काम कितना भी कराओ काम दिखे नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और कई काम बाकी है इंशाल्लाह, हम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह चाह तो जो जो काम बाकी है हमारे सामने रखिए इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता हम सारे काम कराने की कोशिश करेंगे। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी बात हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक बात आपको, आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे हिंदू भाइयों का गणेश त्यौहार है, जो बालापुर का बहुत बड़ा गणेश, जो बालापुर से होते हुए मेरे वार्ड नंबर 3 से बाला यहाँ से होते हुए सीधा टैंक बोर्ड जाता है, तो उसके लिए रोड का काम पेंडिंग था, हम उसके लिए हमारे गंगा जमुना तहजीब रखते हुए हम जल्द से जल्द ये कोशिश करें कि गणेश त्यौहार से पहले के रोड पड़ जाना, कि तकलीफ ना होना किसी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से अल्लाह के करम से हम जल्द से जल्द करके इस रोड का
काम शुरू करे और मैं तमाम डिपार्टमेंट हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा साथ दे रहे हैं, बैरिकेड लगा के करके ट्रैफिक पब्लिक को रोक रहे हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और म्यूनसिपल के तमाम डिपार्टमेंट का उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे कलेक्टर रंगारेड्डी इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बजट ये रुक गया था सेंशन करे, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम स्टार्ट हुआ है। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।